मार्बल लगवाया है, जैसे मेरी बैक साइड पे कितना खूबसूरत आपको नजर आ रहा है, सिटी मार्बल पे आ सकते हैं हम लेने के लिए। तो आपने अगर कोई मार्बल लगवाया उसकी कढ़ाई करवानी है। तो सीलिंग की अगर मैं बात करूं, आपके सामने ये नजर आ रही है, ये बड़ा सिंपल सा डिजाइन है, डिजाइन काफी ज्यादा होते हैं इसके अंदर। ये मैंने तो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज के वीलॉग में खुश आमदीद। कुछ दोस्तों ने, कुछ सब्सक्राइबर्स ने, व्यूवर्स ने पूछा हुआ था कि जो रगड़ाई होती है फर्श के ऊपर मार्बल लग जाने के बाद जो हम करवाते हैं उसका रेट क्या होता है, और उसके ऊपर कोई पॉलिश वगैरह या कोई केमिकल ऐसा लगाया जाता है या कुछ, इसके बारे में गाइड करें। एक सवाल ये था। दूसरा, सीलिंग जो होती है छतों के ऊपर जो की जाती है घरों के अंदर, उसका रेट पूछा हुआ था एक भाई ने। तो इन दो चीज़ों के ऊपर इंशाल्लाह आपकी आज की इस वीडियो में आपको गाइड करेंगे। इसके अलावा एल्युमिनियम का जो है रेट, या विंडोज़ के ऊपर एक स्पेशल वीडियो बाद में बनाई जाएगी, कुछ दोस्तों ने एल्युमिनियम का जो रेट है उसके बारे में भी पूछा हुआ था, तो वो मैं अभी पता नहीं कर सका कि उसका रेट क्या है या किस तरह, वो पूरी उसकी डिटेल मेरे पास अभी नहीं है। आपको पता है मेरा मार्बल का काम है। साथ में ये बताते चलें कि सिटी मार्बल साहिवाल जो है, बहुत सारे व्यूअर्स होते हैं वो, उनको शहर का समझ नहीं आ रहा होता कि किस शहर से हम बात कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने आगे पीछे वाली वीडियो नहीं देखी होती। वैसे तो नाम से भी जाहिर है कि सिटी मार्बल साहिवाल है, तो हमारा ये साहिवाल में सेटअप है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो दूसरे शहरों में जो रहने वाले हैं उनको अगर मार्बल की जरूरत होती है वो मुझे मैसेजेस वगैरह सेंड करते हैं, मैं उन्हें गाइड कर देता हूँ कि आजकल मार्बल जो है तकरीबन हर छोटे बड़े कस्बे, गांव, शहर, हर जगह पर तकरीबन दुकानें और फैक्ट्रियां वगैरह लगी हुई हैं। तो वो रूटीन की आइटम्स होती हैं वो सारी इधर उधर से मिल जाती हैं, वहां से करीब से मिल जाती हैं। कोई मालूम चाहिए होती है तो मैं हाजिर हूँ इंशाल्लाह आपको गाइड करने के लिए। वैसे मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर जो है वो पड़ी हुई हैं, कह लेंगे वीडियोज पड़ी हुई हैं, वो भी देख सकते हैं, या मैं वीडियो सेंड कर देता हूँ, इस तरह का सीन होता है। तो ये एक छोटी सी बात थी, बाकी आज की डिटेल आपको बताते हैं जी, मौसम भी बताते हैं आपको, आज सिटी मार्बल्स में हम लोग क्या क्या काम कर रहे हैं। काम तो आज स्लो ही होगा क्योंकि ये आपके सामने मौसम है जी, आप देख सकते हैं बारिश लगी हुई है। दिसंबर की आज 28 तारीख है, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह अल्लाह ताला की बरान रहमत जो है वो बरस रही है। अल्लाह ताला आपके कारोबारों में, आपके घरों में खैर बरकत अता फरमाए, आपको ढेरों सारी खुशियां अता फरमाए। हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले वक्त में इंशाल्लाह मजीद अच्छी वीडियोस लेके आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे। बहुत ज्यादा कीचड़ हो चुका है। असल में ये आप देख सकते हैं साइड पे जो है ना, ये वॉल सी जो बनाई हुई है, ये बेसिकली सीवरेज पाइपलाइन की जो खुदाई हो रही है, इससे काफी मुश्किलात है और बहुत ज्यादा कीचड़ बना हुआ है। आपको मैंने फैक्ट्री के सामने भी, दुकान के सामने मिट्टी पड़ी हुई है, तो हमें काफी ज्यादा परेशानी है। अल्लाह ताला खैर वाफियत रखे, जल्दी से ये ठीक हो जाए, वरना हालात तो बहुत इस तरह के, हमारा सारा दिन जो है वो सफाइयों के अंदर ही कहने के गुजरता है। इसमें इतनी ज्यादा मिट्टी जो है वो ऑफिस के अंदर और फैक्ट्री के अंदर आई जा रही होती है। आप देख सकते हैं, ये पता नहीं कैमरे में नजर आ रहा है या नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा गारा बन गया हुआ है बाकायदा। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये देखें, ये रोड के इस वक्त के हालात है। जब तक ये सड़क बनती नहीं है, ये देखें ये कैसे जबरदस्त गारे शारे बने हुए हैं, और ये है हालात इस वक्त सामने के दुकान के। वालेकुम अस्सलाम बेटा। नहीं मैं साफ कर लेना, इसको इतने रगड़ के कर लेने। ये एक वेंटी आते साथ ही आपको दिखा दे जी, माशाल्लाह तैयार हो रही है। इसका मुकम्मल प्रोसेस और लगने का भी इंशाल्लाह आपको पूरा वीडियो बताएंगे और दिखाएंगे भी सही, किस तरह से ये तैयार होती है। ठीक है, ये दूसरी वेंटी है, मतलब इनकी बैक साइड आपको देख रहे हैं, ये लटक लगाई जा रही है 1 इंची की। इसके अलावा यहाँ पे 5 इंच या 6 इंच की इस तरह से लटक लगाई जाएगी, उसका भी इंशाल्लाह आपको ना पूरा व्यू दिखाएंगे। तो अभी बात कर लेते हैं पॉलिश के रेट्स की और पॉलिश के प्रोसेस की, कि उसके ऊपर पॉलिश करने के बाद कोई चीज भी लगाई जाती है या नहीं लगाई जाती, क्योंकि कई जगहों पे ऐसा मसला पेश आ जाता है, जो लोग पहली दफा पॉलिश करवा रहे होते हैं या घर बनवा रहे होते हैं अपने, तो उनको नहीं पता होता है प्रोसेस पूरा क्या है। तो रगड़ाई वाले हजरात जो उनसे हैं वो थोड़ा सा कोई ना कोई कह लें कि
रॉन्ग नंबर चलाने की कोशिश करते हैं, उसकी वजह से वो कंफ्यूज हो जाते हैं बंदे। तो सबसे पहले मैं क्लियर बात बता दूं कि जब आप किसी के साथ रगड़ाई का कोई ठेका करते हैं, यानी कि आपने अपना, तो सबसे पहली बात बता दूं कि जब आपने पॉलिश का ठेका करना है किसी के साथ, तो किसी किस्म के उसके ऊपर एक्स्ट्रा कोई खर्चा उसको नहीं देना। कि सामान वो आपको लाने के लिए कहे कि ये सामान ला दें, ये सामान ला दें, उसके साथ जो आपका स्क्वायर फिट आपका डिसाइड हुआ है उसके अंदर तमाम चीजें शामिल होंगी, कोई चीज आपने ला के नहीं देनी। और जब वो पॉलिश करेगा तो उसके ऊपर कुछ चीज मलने नहीं देनी, स्पेशली पट्टी वगैरह जो होती है ना, काली पट्टी जहाँ पे लगी होती है उधर वो मलते हैं, उसको जरूरत पड़ती है जेट ब्लैक की, वो थोड़ा बहुत उसको तेल लगाने की कोशिश करते हैं, वो उनको लगा देना चाहिए, क्योंकि जेट ब्लैक थोड़ा सा पत्थर ऐसा होता है उसको शाइन के लिए या उसकी कालक मजीद बढ़ाने के लिए जरूरत पड़ती है। इसके अलावा किसी किस्म की मार्बल के ऊपर कोई चीज नहीं लगती, ना ही आपने किसी को ला के देनी है। अगर आपका रेट फॉर एग्जाम्पल साहिवाल में इस वक्त 18 रुपए चल रहा है, 18 रुपए आपकी अगर उसके साथ डिसाइड हुई है तो आपने वही देनी है उसको, कोई चीज उसको ला के नहीं देनी है अपने पास से, ठीक है। उसी के अंदर उसने सारी अरेंजमेंट्स करनी है, आपने बिजली की तार लगवानी है उनको, और वाइपर आपने देना है पानी साफ वगैरह करने के लिए, उसके बाद उन्होंने सब काम उन्होंने खुद करना है। मुख्तलिफ शहरों में जो रेट होता है वो मुख्तलिफ होता है, छोटे शहरों का और बड़े शहरों का रेट इसलिए मुख्तलिफ होता है कि खर्चे उनके ज़्यादा और कम होते हैं। मसाल है कि इस्लामाबाद, लाहौर वगैरह जैसे बड़े शहर हैं, कराची वगैरह, तो इसके अंदर इस तरह से होता है कि उनकी कॉस्ट ज़्यादा ही आ रही होती है, उनकी मशीनरी कॉस्ट ज़्यादा होती है, उनकी मशीनरी को हैंडल करने की कॉस्ट ज़्यादा होती है, वहाँ पर मटीरियल महंगे होते हैं, ठीक है। उसके अलावा लेबर कॉस्ट उनकी ज़्यादा आ रही होती है, ठीक है। बड़े शहरों के आपको पता है खर्चे ज़्यादा होते हैं, इसकी वजह से बड़े शहरों का रेट ज़्यादा हो सकता है, लेकिन छोटे शहरों का या दरमियाने शहरों का अगर मैं आपको बात करूँ ना, तो वो 16 से 18 रुपए स्क्वायर फिट होना चाहिए उसका रेट। और बड़े शहरों में मेरा ख्याल है कि जैसे इस्लामाबाद, कराची, लाहौर वगैरह की मैं बात करूँ तो 20 से 25 के दरमियान कहीं पे अच्छी रगड़ाई का रेट होना चाहिए। जब भी किसी रगड़ाई वाले के साथ डील करें तो आपने उसके साथ यही डील करनी है कि मुझे शाइन अच्छी चाहिए, दैट्स इट। और उसके साथ आपने रेट सेट करना है, सिंपल सी बात है। जैसे आपके सामने ये नजर आ रहा है, कितना प्यारा अक्स नजर आ रहा है, सारे ये मार्बल जो से ये आपको पॉलिश क्वालिटी इनकी आप यहां से इस वीडियो के अंदर चेक कर सकते हैं, तो सिंपल सी बात है, आपने कोई एक सैंपल उनको दिखा देना है कि भाई मुझे ये वाली रगड़ाई चाहिए, दैट्स इट, और आपने करके देनी है, ये सिंपल सी डील होती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कुछ पत्थरों में कलर के हिसाब से थोड़ी सी शाइन कम या ज्यादा होती है, शाइन तो नहीं, उनकी अब्जॉर्प्शन जो होती है, रिफ्लेक्शन जो होती है ना, वो कलर की वजह से फर्क होती है। इसकी वजह से भी कुछ पत्थरों में थोड़ी चमक कम आती है, कुछ में ज्यादा आती है। जैसे अगर बात करें ये सनी वाइट लगा हुआ है, वो वरोना लगा हुआ है, तो थोड़ा सा ये क्योंकि लाइट अब्जॉर्ब कर रहा है, वो लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है, इसीलिए इन दोनों की चमक में थोड़ा सा कह लें पॉलिश अच्छी हुई हुई है। अगर मैं साइड से दिखाऊं पॉलिश बहुत अच्छी हुई हुई है, लेकिन कुछ एंगल से अगर देखें तो वो वाला ज्यादा शाइन देता है, ये वाला थोड़े कम देता है। ये चीजें भी होती हैं पत्थरों के अंदर, तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको ये भी गाइड किया। इसके अलावा कोई सवाल आपके जहन में है कमेंट सेक्शन के साथ जरिए आप जरूर पूछ सकते हैं। तो सीलिंग की अगर मैं बात करूं, आपके सामने ये नजर आ रही है, ये बड़ा सिंपल सा डिजाइन है, डिजाइन काफी ज्यादा होते हैं इसके अंदर, ये मैंने तो अपने उसमें बहुत सिंपल वाला करवाया होगा। तो इसकी अगर मैं रेट की बात करूं तो ये इस वक्त जो चल रहा है साहिवाल शहर के अंदर वो 80 रुपए स्क्वायर फुट चल रहा है इसका, स्क्वायर फुट के अंदर होता है रेट। और वही बात है कि बड़े और छोटे शहरों का रेट थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकता है, यानी कि अगर लाहौर, कराची या इस्लामाबाद की बात करूं तो उसमें हो सकता है कि 80 से 90 की साइड पर चला जाए, और इससे छोटे शहरों की बात करूं तो वह जाना कमालिया वगैरह या इस तरह अरब वाला कबूला इस साइड पे भावल नगर, अगर यहाँ पे है जो करवा रहे हैं तो हो सकता है कि वो 80 से 70 की तरफ आ जाए। तो इसमें दो ही टेक्निकलिटीज होती हैं, एक तो आपने जो तार हैंग करने वाली जो तार है जिससे सीलिंग हैंग होती है वो कॉपर की लगवानी है, उसकी लाइफ ज़्यादा होती है। जो आप सिल्वर वगैरह की तार लगवाएंगे वो जंग के साथ मतलब कुछ अर्से के बाद वो टूट जाएगी, मजबूती में कमी आ जाएगी, ठीक है, और आपके सीलिंग जो है उसकी लाइफ कम हो जाएगी, यानी कि अगर आप 25 से 30 साल एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो लाइफ हो सकता है वो 10 से 15 या 12 साल पे आ जाए। तो कॉपर की वायर लगानी है। इसके अलावा आपने डिसाइड ये करना है कि जो मटेरियल यूज होगा जिससे शीट्स तैयार होती हैं वो पाउडर होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो पाउडर होता है, तो उसके अंदर भी रेशियो की मिक्सिंग जो है वो प्लस माइनस हो सकती है। इसके ऊपर भी आपने किसी के साथ डील में जाने से पहले डिसाइड कर लेना है कि भाई आपने जो मटेरियल इस्तेमाल करना है, जो पाउडर इस्तेमाल करना है प्लास्टर ऑफ पेरिस, वो रेशियो उसकी पूरी होनी चाहिए, उसकी मजबूती पूरी होनी चाहिए। फिर यह है कि डिज़ाइन की नफासत आ जाती है इसके अंदर, कारीगर बंदा जो है उसके हाथों की लगी होनी चाहिए, एक न्यू या बिगनर है या बिल्कुल मजदूर टाइप है जो जिसको नहीं पता वो अगर लगाएगा तो उसकी वो जो नफासत है लाइन से लाइन मिलाने वाली है, अगर मैं इसकी जैसे बात करूँ
ये जैसे ये गुलाई तैयार की गई है, इसका राउंड बड़े अच्छे तरीके से तैयार किया गया है। इसकी ये लाइनें जहाँ पे कट हो रही हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ ये साइड से किनारे से ये जो लाइनें हैं बिल्कुल बराबर आ रही हैं इसकी फ्रंट और बैक से सारी, ठीक है। ये टेक्निकलिटीज़ होती हैं, ये आपने देखनी है। रेट मैंने आपको बता दिया है इसके अंदर वीडियो के अंदर। अगर इसके अलावा कोई सवाल है सीलिंग के वाले से तो ज़रूर बताएं, नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियो में एलुमिनियम के जो है विंडोज़ उसके ऊपर भी ज़रूर बनाऊंगा। तो ये था आज का व्लॉग, अगर आपको पसंद आई हो वीडियो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह ताला आपको ढेरों सारी खुशियाँ नेमते रहते अता फरमाए, आपकी ज़िंदगी में आपके कारोबार में खैर व बरकत अता फरमाए। खुश रहें, आबाद रहें। नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह मुलाकात होगी, नंबर यहाँ ऊपर मौजूद है। अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो या आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो इस नंबर पर आपने व्हाट्सअप सेंड कर देना है, इंशाल्लाह ज़रूर आपको जवाब दिया जाएगा। तो हमें याद रखिएगा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।